डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं नाइन्थ क्लास के लिए साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्लास नाइन्थ के लिए साइंस सब्जेक्ट को, जैसा कि आपको पता है, हम लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए पूरे मोशन वाले चैप्टर को हम लोग ने खत्म कर दिया है। अब इस मोशन वाले चैप्टर का अगर बात करें तो हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कर रहा है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं कि उसपे जो रिलेटेड एक्सरसाइज में जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज में हम टोटल बात करें तो चौथे नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए थे। आइए बढ़ते हैं आगे, पांचवें नंबर क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो जिन लोगों के पास बुक्स है तो अच्छी बात है, आप क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए। और जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है तो पांचवें क्वेश्चन में हम पहले क्वेश्चन बोलते हैं फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा जाए, ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइड द ब्रेक्स एंड एंड एक्सेलरेट्स uniformly in the opposite direction full stop the car stops in 5 seconds full stop another driver going at 3 kilometer per hour in another car applied his brakes slowly and a stop in 10 seconds full stop on the same graph papers plot का मतलब PLOT, plot मतलब क्षेत्र, plot the speed versus time का मतलब होता है अपेक्षा, VRSUS। जैसे हम लोग टाइम डिस्टेंस का कैसे ग्राफ खींचते हैं तो उसको वर्सेस बोला जाता है। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार
विच ऑफ द टू कार traveled farther after the brakes were applied चलिए चलते हैं सवाल पे कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, सवाल को अच्छे से समझिएगा तो आपको सब चीज क्लियर हो पाएगा कि जो पांचवें नंबर क्वेश्चन में बोला गया वो ये बोला जा रहा है कि ड्राइवर दो कार है और दो ड्राइवर जो है ड्राइव कर रहे हैं कार से। ठीक है, यहां पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक कार का नाम है ए कार, ठीक है, और दूसरे का नाम है बी कार। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब ए कार जो है ड्राइविंग स्टार्ट करता है, ट्रेवलिंग करना शुरू करता है, तो उसका जो स्पीड है वो 52 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान रहे, वो जब स्टार्ट करता है अपना मोशन, अपना चलने का जो ट्रेवलिंग स्टार्ट करता है, तो 52 किलोमीटर पर आर रहता है। यानी कि इसमें हमें दे दिया, ए कार के लिए दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी 52 किलोमीटर पर आर है। अब 52 किलोमीटर पर आर है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए दोस्तों आपको पता होगा 5/18 से गुना करते हैं, गुना कर दिया तो कितना हो गया, 9 × 18 26 × 52, 26 को 5 से गुना कीजिए 130, 26 × 25 130 और बटा में 9 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोलता, अच्छा दूसरे वाले कार के बारे में देखते हैं। तो दूसरा वाला कार क्या बोला कि दूसरे वाले कार को जब ट्रैवलिंग स्टार्ट किया जाता है तो इसका जो स्टार्टिंग मोशन है, जैसे ट्रैवलिंग स्टार्ट करता है तो इसका जो स्पीड बनता है वो 3 किलोमीटर पर आवर बनता है, 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 5/18, तो 3 × 6 = 18, तो टोटल हो जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों ही कार के बारे में बोला जा रहा है कि ब्रेक्स अप्लाइड किया जाता है। जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट पे ब्रेक अप्लाइड किया जाता है तो गाड़ी कार क्या हो गई, रुक जाएगी, और जब रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी कितना, 0। यानी कि जब किसी भी कार पे, बस पे, ट्रेन पे, ऑब्जेक्ट पे अगर ब्रेक्स लगाया जाता है तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे साइकिल ही चला रहे हैं, अगर ब्रेक्स लगा दिया तो साइकिल रुक जाएगी, और रुक जाएगी का मतलब वेलोसिटी 0। तो इसीलिए यहां पे हम लोग ये लिखेंगे कि एक कार पे जैसे ही ब्रेक अप्लाइड किया जाता है तो वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब 0 मीटर पर सेकेंड लेकिन कितने टाइम लग रहा है इसमें, तो इसमें टोटल टाइम के बारे में बोला कि इसमें जो टाइम लगता है वो 5 सेकेंड का लगता है। यानी कि ए वाले कार का जो रुकने में, जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है तो गाड़ी को रुकने में टोटल टाइम कितना लगता है, तो 5 सेकेंड लगता है। इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें भी वही सिचुएशन है, यहां पे भी ब्रेक्स अप्लाइड किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0। लेकिन इस कार को, यानी कि बी वाले कार को रुकने में टाइम जो लगता है वो टोटल 10 सेकेंड का टाइम लगता है। ध्यान दीजिए,
तब सवाल ये बोल रहा है कि कार नंबर ए और कार नंबर बी दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा कार डिस्टेंस तय किया है। सवाल समझ में आ रहा है, यानी कि कार नंबर ए और कार नंबर बी में दोनों ही कार में कौन सबसे ज्यादा कार चला है, सबसे ज्यादा दूरी तय किया है। तो इसके लिए हमें यहां पर भी पता चला कि एस का वैल्यू निकालना है और यहां पे भी एस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब एस का वैल्यू निकलेगा कब, चूंकि एस का फार्मूला तो होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ए तो नहीं है, एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो एक्सेलरेशन सबसे पहले निकालिए। तो इस कार के लिए भी आप एक्सेलरेशन निकालिए, तो फार्मूला क्या होगा, वी माइनस यू बटा में टी। तो v के जगह पे कितना रखेंगे, 0 माइनस u के जगह पे 130/9 बटा में t कितना, 5 सेकेंड, ठीक है। अब चूंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए आप ऊपर से मिटाएंगे और फिर लिखेंगे, तो आप इन चीजों को नीचे ही लिखते चलिएगा। तो हम ऊपर से फिर से आते हैं, तो कार ए के लिए एक्सेलरेशन अभी निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन कितना होगा, फिर हम एस निकालेंगे। तो इसके लिए कितना आ रहा है, तो यहां हो जाएगा माइनस 130 और ये 9 नीचे चल जाएगा, तो 9 × 5, अब 5 से कितनी बार में कटेगा, 26 बार में, तो यहां हो जाएगा कितना, माइनस 26/9, किसका वैल्यू हो गया, ए का। नाउ अब हम लोग निकाल सकते हैं कि एस ना निकालना था कि कौन ज्यादा दूर चला है, तो एस का फार्मूला क्या, एस का फार्मूला यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यू का वैल्यू कितना था इसमें, यू का वैल्यू था 130/9, ये था ना मीटर पर सेकेंड, और कितना टाइम ले रहा था, 5 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू माइनस 26/9 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो जरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें, तो यहां तक कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है, तो 130 को 5 से गुणा कराते हैं तो 650/9, और इधर कुछ कटने वाला है क्या, नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस, और 26 × 25 बटा में 9 × 18, ठीक है। तो 9 और 18 का एलसीएम कितना बनेगा, 18, 9 × 18, तो 65 × कितना हो जाएगा, 1300, ठीक है। माइनस 18 को तो एक बार से कट जाएगा, तो 26 को और 25 से गुणा करना है, तो 26 × 25 कितना होगा, 6×5 = 30, 130, और 26 × 52, तो यहां हो जाएगा 650, यानी कि अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो टोटल मिलाकर हमें पहला में डिस्टेंस कितना हो गया, तो हम फिर से नीचे से मिटा रहे, आप इसको नीचे ही लिखते चलिएगा। तो यहां पे जो एक्स का एस का जो वैल्यू आया वो कितना आ रहा है, इसमें से इसको घटाइएगा तो 650/18, अब 18 से डिवाइड करना है कितना में, 650 में, 58 = 54, 78 = 72, तो 54 घटाएंगे तो 110 बन रहा है, 18 × 72, 18 × 5 = 90, 18 × 6, हाँ तो 18 को 6 बार में लगाएंगे तो 108 होगा, फिर 2 भागने लगेगा तो 0 लगाएंगे, तो 36.1 मीटर इसका लगभग आएगा डिस्टेंस का वैल्यू। अब इसमें भी वैसा ही काम हमें करना होगा, तब ना पता चलेगा कि कौन ज्यादा दूर चला है। यहां इसका वैल्यू 36.1 आया, 36.1, और यहां से भी हम लोग एस का वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इससे चलते चलते एस का वैल्यू कितना निकलेगा, हालांकि इसमें तो भी सबसे पहले आपको ए का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एस का फार्मूला क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां यू तो दिया है, टी तो दिया है,
हाफ का तो हाफ होगा लेकिन ए का वैल्यू नहीं दिया है, तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वी माइनस यू बटा में टी। तो वी माइनस यू बोले तो वी माइनस यू का मतलब हुआ कि वी में से यू को घटाना है, तो यहां जीरो माइनस यू कितना 5/6, टी कितना 10। ठीक है, तो जरा ऊपर से हम लोग लिखते हैं, एक तरफ बी वाले कार का सॉल्यूशन किया जा रहा है, तो यहां पे ए का वैल्यू कितना आ रहा है तो देखते हैं आगे, तो 6 अगर नीचे चला जाएगा, क्योंकि जब ऊपर में 2 अगर डिवाइड रहता है तो नीचे वाला नीचे चला जाता है, तो यहां हो जाएगा माइनस 5/6 × 10, तो ये 2 कट जाएगा माइनस 1/12। ये किसका मान है, ए का। अब एस का वैल्यू, ए का वैल्यू आ गया, तो अब आप किसका वैल्यू निकालेंगे, एस का वैल्यू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यू का वैल्यू कितना, तो यू का वैल्यू 5/6, कितना टाइम लग रहा है इसमें 10, इसमें कितना तो हाफ, ए का वैल्यू कितना तो माइनस 1/12 टी स्क्वायर, तो कितना टाइम लग रहा है 10, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब चलिए आगे जरा चलते हैं, यहां पे कितना बन रहा है 10/50/6, अब यहां पे कितना बन रहा है तो प्लस माइनस माइनस, 10 का कितना होता है स्क्वायर 100/24। अब ये तो कट भी तो सकता है, कितना से, तो ये कट सकता है 25 × 100, 6 × 24, ये कट सकता है 25 × 50, 3 × 6, यानी कि 25/3 माइनस 25/6। चलिए, तो एस का वैल्यू आगे फिर से हम ऊपर से मिटाते हैं, आप इसके नीचे सॉल्यूशन करते जाइएगा, तो 3 और 6 का, 3 और 6 का एलसीएम कितना बन रहा है, 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 × 2 = 6, यानी 50 − 25, यानी कि यहां 25/6, 6 × 24 इतना मीटर आ रहा है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि कार ए और कार बी में कौन सबसे ज्यादा चला, तो आपको पता होना चाहिए कि कार ए जो है सबसे ज्यादा दूरी तय किया, कितना 36.1 मीटर, जबकि कार बी कितना किया 4.15 मीटर। तो इसीलिए हम यहां पे ये लिख सकते हैं, दोनों तरफ निकालने के बाद लिखिएगा, हेंस कार बी हैज ट्रेवल कार बी हैज ट्रेवल्ड 36.1 farther than car A after the brakes applied। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये दोनों में ब्रेक्स अप्लाइड करने के बाद सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन जाएगा, तो कार ए का वैल्यू बी की अपेक्षा से सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा, ट्रेवल्ड करेगा। तो ये क्वेश्चन था बहुत अच्छा, एक ही सवाल में 2 क्वेश्चन हमें सॉल्यूशन करना पड़ा, और फिर तय करना था कि कौन ज्यादा चल पाएगा, तो कौन ज्यादा चला, कार ए फर्दर देन कार बी। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर किए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा जाए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिगर 8.11, हम फिगर बनाते हैं, बनाएंगे अभी, अभी आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिगर 8.11। हालांकि इस सवाल में फिगर दिया हुआ है, अगर आपके पास बुक नहीं है पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम इसको फिगर बनाते हैं कि कैसा फिगर दिया हुआ है।
फिगर 8.11 shows the distance time graph of three object capital A, comma capital B and C. यही तीन को ऑब्जेक्ट है, कौन कौन सा? A, B and C. थ्री ऑब्जेक्ट A, B and C. फुल स्टॉप. study the graph and answer the following question. Study the graph and answer the following question. चलिए, तो इस बार क्या बोल रहे हैं कि फिगर 8.11 है, 8.11 वो फिगर दिया हुआ है बुक में. अब उस फिगर को स्टडी करना है, अच्छे से ध्यान से आपको देखना है, जांचना है, तब उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, उसको सॉल्यूशन करना है. तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ देखते हैं. देख पा रहे होंगे इस ग्राफ को अच्छे तरीके से बना लेना है और ग्राफ पेपर पे बनाना है. एक तरफ दिया है टाइम आवर में 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 और एक तरफ डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में. डिस्टेंस देख लीजिएगा, किलोमीटर में दिया हुआ है 4, 8, 12 और ये एक कार है. तीन ऑब्जेक्ट है, नंबर ए, नंबर बी और नंबर सी, और तीनों का एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ का दिया हुआ है ग्राफ. तो आप इन ग्राफ्स को नोट कर लीजिए और उसके नीचे का ए बी सी डी चार क्वेश्चंस है. तो चलिए पहले क्वेश्चंस को ए नंबर क्वेश्चन लिख लिया जाए, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर लिखा जाए. ए नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट. बी वाला क्वेश्चन लिखा जाए ग्राफ के नीचे. बी में क्वेश्चन, आर ऑल थ्री इवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड सी वाला क्वेश्चन लिखा जाए सी नंबर में. How far has C traveled when B passes A and last question is D. D number likha jaye, how far has B traveled by the time it passes C. चलिए, तो सबसे पहला ये ग्राफ को अच्छे ढंग से बना लेना है और अच्छे ढंग से बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि यहां पे 4 है. आपको पता चलेगा कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और इस ग्राफ को अच्छे तरीके से देखना है और फिर नीचे का जो क्वेश्चन है ना उसका जवाब देना है.
पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, यानी कि ए बी सी में तीनों में सबसे ज्यादा फास्ट कौन चल रहा है, सबसे ज्यादा फास्ट। तो आप एक कतई नहीं देखिए कि सर ये तो बहुत ज्यादा दूर चला गया, बी तो यही है, सी तो बीच में है, भाई वैसे नहीं लिया आता है। जो ऑब्जेक्ट कम टाइम में वो दोनों के अप्रोक्स में बराबर दूरी पे है ना नीचे से, क्योंकि किलोमीटर तो डिस्टेंस नीचे से दिया है, तो कम टाइम में सबसे ज्यादा कौन डिस्टेंस तय किया है, तो बी। तो पहला का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज बी, पहला का आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि सबसे ज्यादा फास्ट कौन चला है, तो ऑब्जेक्ट बी सबसे फास्ट चला है। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, आर ऑल थ्री वर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, बोल रहा है कि ए बी सी तीनों एक पॉइंट पे मिला है कभी, तो तीनों एक पॉइंट पे कभी नहीं मिला। ए और सी इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, बी और ए, ये तो ए का लाइन हो गया ना, ये बी का लाइन, तो यहां पे मिल रहे हैं, सी और बी यहां मिल रहे, तो तीनों अलग अलग पॉइंट पे मिल रहे हैं। यहां पे सवाल क्या बोल रहा था कि क्या तीनों सेम पॉइंट पे ग्राफ में कहीं मिल रहे हैं, तो आंसर होगा नो, नहीं। तो इसका आंसर कर दीजिए नो, एन ओ नो, ठीक है। चलिए सी नंबर सवाल पे आते हैं, तो सी नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं, हाउ फार हैज सी ट्रेवल When B passes A, यानी कि C कितना डिस्टेंस तय कर रहा होगा जब B जो है A को पास कर रहा होगा। देखिए बोल रहा है कि जब B और A को क्रॉस कर रहा होगा, तो B यहां है और A यहां है, तो A लगभग क्रॉस कहां किया है, यहां पे है ना, लगभग यहां पे क्रॉस किया है, तो ग्राफ बनाइएगा ना, तो ये ग्राफ में नो के सामने आया, ये कितना के सामने आएगा, नौ के सामने आएगा। सवाल क्या बोल रहा था अच्छे से समझिए कि जब बी और ए दोनों अगर पास हो रहे थे, बी और ए जब पास हो रहे थे, तो सी कितना दूरी तय कर रहा होगा, तो दोनों कितना दूरी पे मिले, तो बी एंड सी एट के बाद ऊपर 9 किलोमीटर लगभग, तो इसमें लिख दीजिए 9 किलोमीटर ब्रैकेट में एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है लगभग, ठीक है, या नियर अबाउट 9 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस तय कर लेगा सी, कब, जब बी और सी दोनों क्रॉस आउट हो रहा है। चलिए उसके बाद डी नंबर सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं, हाउ फार हैज बी, यानी बी कितना दूरी तय कर लिया होगा जब सी उसको पास किया होगा, यानी कि बी कितना दूरी तय किया, तो बी कितना दूरी तय कर रहा होगा जब सी उसको पास कर रहा होगा, तो सी का लाइन ब्लैक वाला है, तो बी कितना दूर चला जाएगा, कब, जब ये सी जो है उसको पास आउट कर रहा है, तो सी कहां पास आउट कर रहा है, लगभग यहां पे, और जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो ये 6 किलोमीटर के लगभग आएगा, क्योंकि ग्राफ वाले कॉपी में ना ये छोटा 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 डब्बा होते हैं, एक मोटा लाइन भी होता है, आप समझ पा रहे होंगे ना मेरी बात है, एक मोटा लाइन होता है हर एक 5-10 अबाउट, ठीक है, तो वहां से जब आप खींचेंगे ना तो हर एक चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके नीचे भी होता है छोटा 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 लाइन, ऐसे ऐसे ग्राफ पेपर देखते होंगे तो छोटी छोटी लाइन भी होती है ऐसे ऐसे, तो सबका वैल्यू अगर इस ग्राफ में अगर आप चीजों को बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नियर अबाउट लगभग में 6 किलोमीटर डिस्टेंस आता है, ये दोनों जहां कट करता है 6 के सामने आता है, तो बी में आंसर करेंगे 6 किलोमीटर एटलीस्ट, एटलीस्ट लगभग कितना होगा, तो 6 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो
तो चलिए आज की क्लास को इतना ही तक एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।